एक ऐसे लड़के के लिए जिसने अभी मतलब 1 साल उसको मुश्किल से प्रोफेशनल करियर उसका हुआ है, सिंगिंग इंडस्ट्री में आया वो, और उसको एंड फ्रॉम कराची पाकिस्तान, यू नो फ्रॉम जस्ट अ रेगुलर टाउन, और उससे अगर एक लड़के को इतने बड़े स्टार से कंपेयर किया जा रहा है एंड इन गेटिंग नेम द पाकिस्तानी जस्टिन बीबर और बिकॉज ही इज़ अ बिग स्टार, सो आई थिंक 1 साल में जो टाइम पीरियड है, आई थिंक इट्स एन अकॉम्प्लिशमेंट फॉर मी. एड शीरन जिनका जी गाना आपने कवर किया है दी ए टीम, यस जो आपने अपने अंदाज से उसमें उर्दू लिरिक्स भी आपने बिल्कुल डाले, वो एड शीरन ने अप्रिशिएट तो किया, पर ट्विटर पे जाके उन्होंने पब्लिकली ट्वीट की और मेंशन ये किया कि उनको आपका कवर वर्जन बहुत अच्छा लगा। तो कैसा महसूस हुआ जब एड शीरन ने पब्लिकली ये सबको बताया कि आपका वर्जन उनको बहुत अच्छा लगा? उनकी जो गाने का स्टार्ट है, इट गोज लाइक वाइट लिप्स पेल फेस एंड सो ऑन, बट मैंने जो किया देखा सब कुछ उसकी आंखों में फिर भी मुस्कान है, थे निशान चेहरे पे होठों पे प्यास थी फिर भी ना उदास है. उनके लिरिक्स भी मैंने इंक्लूड किए क्योंकि आई डेंट वॉन्ट टेक द ओरिजनैलिटी आउट फ्रॉम द सॉन्ग जो उस गाने का ट्रेडमार्क है, उनके लिरिक्स भी मैंने इंक्लूड किए, अपने भी मैंशन, एंड ऑब्वियसली फिर जब इट केम अक्रॉस हिम और उन्होंने जब मुझे मैंशन किया कि आई रियली लाइक इट एंड दैट्स ऑसम, सो दैट्स अ माइल स्टोन फॉर मी. टीनेज फैन बेस जो होती है वो बिल्कुल बहुत कम पाकिस्तान में, कोई एक टीनेज सेंसेशन पाकिस्तान की पॉप इंडस्ट्री में आए हैं, उनमें से आप एक हैं, और बिल्कुल आपकी फैन बेस जो है वो बहुत यंग फैन जी बेस है, जिसमें बच्चे भी हैं और टीनेजर्स भी हैं और कुछ यंग लोग भी हैं। जी तो किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फील करते हैं कि आपका, क्योंकि आप उनके रोल मॉडल हैं, तो बिल्कुल किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फील करते हैं कि आपका इमेज किस तरह का होना चाहिए, और अपने फैंस से आप क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज है आपके पास अपने फैंस के लिए? मैं अपने हर एक्शन को आई हैव टू ऑन सोशल मीडिया और किसी भी पब्लिक फोरम में और इन पब्लिक प्लेस, एंड हर एक्शन को आई हैव टू मेक श्योर कि इट्स राइट, आई हैव टू रीथिंक कि कुछ ऐसा मैं ना कर दूं जिससे जो लोग मुझे देखते हैं, जो लोग मुझे एज ए रोल मॉडल लेते हैं, जो मेरे फैंस, उनको गलत इंटरप्रेशन आए, उनके एल्डर्स मुझसे खफा हों कि आप हमारे बहुत वो मतलब वो तो कहते हैं कि वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप हमारे बच्चे के रोल मॉडल हैं, लेकिन मेक श्योर कि संभाल के रखें क्योंकि आप हमारा बच्चा आपको देखता है. तो उसके साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आई हैव टू बी अ गुड गाय. फैंस को मैसेज मैं देना चाहूँगा कि पहले तो सीधी बात है कि उन्हीं की वजह से मैं आपके साथ इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ, अगर वो नहीं होते, अगर वो मेरा म्यूज़िक ना स्प्रेड करते, तो इस वक्त ये गुफ्तगू शायद इम्पॉसिबल होती, और जितना उनका थैंक यू करूँगा मैं. तेरी आंखों में जो मैंने देखा, क्या वो सच था मुझको बता, सारे वादे सारी खुशियाँ तेरे बिना सब लागे अधूरा, दिया माए मेरी जा घबराए, है दुआ ये मेरी पल पल है ये सदा, बिंदिया ना आए मेरी जा घबराए, है दुआ ये मेरी पल पल है ये सदा, ते हुण माही आ जा होर ना तड़पा, ते हुण माही आ जा होर ना तरसा, ते हुण माही आ